चंद्रपुर जिला ऐतिहासिक जिला होकर यह गोंड राजा का जिला है। यहाँ कई प्राचीन धरोहरें हैं, जिसे संजोना हमारा कर्तव्य है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस विरासत को देख सके। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे जिले में कई प्राचीन विरासतें अब भी मौजूद हैं। इन प्राचीन विरासतों को संजोना तो दूर की बात है, 25 जून को अंशलेश्वर परिसर में अतिक्रमण होने की बात सामने आई, जिसमें यहाँ के परिसर के लोगों का कहना है कि कुछ 50-60 लोगों ने यहाँ आकर जबरन अतिक्रमण किया है, जो कि गैरकानूनी व नियम विरोधी है। इस बात का फलक भी यहाँ लगाया गया है। यह ASI का प्रोटेक्ट एरिया होकर यह स्मारक, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है। जो कोई इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, हानि पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके जिन लोगों ने इस परिसर में अतिक्रमण करने का जो कृत्य किया है, वह गैरकानूनी है। इस बात का जायजा इतिहास संशोधक अशोक सिंह ठाकुर ने लिया। उन्होंने कहा कि हर कोई यदि ऐसे ही यहाँ पर अतिक्रमण करता रहे तो भविष्य में यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, इसे कहीं तो रोका जाए। यह हमारी प्राचीन धरोहरें होकर लोग यहाँ पर ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, जिससे दिन में भी अच्छे लोग यहाँ पर आने से कतराते हैं। यह हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। हमें हमारी इन प्राचीन विरासतों की इज्जत करना चाहिए। चंद्रपुर में जो भी विरासतें हैं उसे संजोए रखना है। यदि हर कोई ऐसे ही अतिक्रमण करता रहा तो धीरे धीरे यह विरासतें खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस परिसर में छापा मारकर कुछ शराबियों को पकड़ा है। यहाँ रात भर बैठकर लोग शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं। यहाँ किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमें टूरिज्म डेवलप करना है तो सबसे पहले यहाँ का जुआ बंद करना है, शराब बंद करनी है। इस पर ध्यान दिया जाए, सिक्योरिटी लगाई जाए, जिससे यहाँ असामाजिक तत्व ना हो। ये जो आप पीछे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 दिन की निर्मित है, जो कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है ASI का, और ASI का प्रोटेक्टेड एरिया होने के कारण यहाँ पर कोई ना दफन विधि हो सकती है, ना कोई यहाँ पर नए मकबरे बनाए जा सकते हैं, ना समाधि बनाई जा सकती है। ये समाधि किसकी है मैं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जो भी है ये इल्लीगल है। इल्लीगल इसलिए है कि यहाँ पर एकदम आदेश है और सामने एक फलक भी लगा है कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दफन विधि या कोई भी समाधि का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों ने आके यहाँ पर जबरदस्ती 50-60 लोगों ने, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं, 50-60 लोगों ने आया और उन्होंने इसका निर्माण करके, देखिए इसका निर्माण होने से ये बिरसा की समाधि की वैल्यू कम होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिरसा की समाधि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी है। और हमारे आमदार और हमारे खासदार, हमारे मंत्री, ये सब कोशिश में है कि इस एरिया को यहाँ अच्छा गार्डन बने, लाइट एंड साउंड सिस्टम हो। तो ये सब बनने से तो यहाँ पर नेगेटिव व्यू जाएगा कि यहाँ पर अभी भी कब्रिस्तान है, ये दफन होता तो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आएगा नहीं, और ये बनाना उचित नहीं है, ये बनाना बहुत गलत है। मेरी रिक्वेस्ट है कि कलेक्टर साहब से और सभी लोगों से कि इसका जो निर्माण हुआ वो ठीक नहीं है निर्माण होना इसका, इसको कहीं तो भी रोका जाए और इसका कहीं तो भी रिजल्ट लगे। क्योंकि देखिए मुगल खानदान भी आज जिंदा है हिंदुस्तान में, तो ताजमहल एरिया में जाके कोई मुगल खानदान के आदमी को दफन नहीं कर सकता है, ये गलत है। ये कल को हुमायूं टॉम्ब है दिल्ली में, अगर वहाँ लोग चाहेंगे कि हम जाके अपने वारिस को यहाँ पर लाके गाड़ दें तो ये एकदम गलत इफेक्ट जाएगा, गलत इमेज जाएगा। देखिए हमारा चंद्रपुर का गोंड साम्राज्य बहुत ऊंचा साम्राज्य है, यहाँ के बिरसा की समाधि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी समाधि है। हमको इस परिसर की इज्जत करनी चाहिए, हमारी भावनाओं को लोगों ने समझना चाहिए कि देखिए ये हमारा हेरिटेज है, इस हेरिटेज को नष्ट न करें। अगर दफन विधि अगर जिसने भी किया है और जिसने भी ये बनाया है, ये हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि शासन और प्रशासन इसमें दखलंदाजी दे और आगे ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर न हो, ताकि हमारे चंद्रपुर की जो भी विरासत है वो अच्छी ढंग से रहे। अगर ऐसा होते गया तो हमारे चंद्रपुर की एक भी विरासत बचेगी नहीं, हर जगह लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, अतिक्रमण करते जाएंगे और हमारी विरासत खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी कभी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। और मैं शासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से। यहाँ पर इतने सारे माताएं बहनें इस परिसर में आती हैं और इस परिसर में बिरसा की समाधि का दर्शन करती है, लेकिन मुझे बहुत बताते हुए शर्म महसूस होती है कि आज यहाँ पर पुलिस ने रेड किया, कुछ जुआरी लोगों को पकड़ के ले गई, यहाँ रात भर दारू का अड्डा चलता है,
यहाँ रात भर लोग बैठ के ताश खेलते हैं, यहाँ कोई ऐसा इंजाम नहीं है, यहाँ कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। और मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि अगर हमें टूरिज्म को डेवलप करना है तो सबसे पहले यहाँ का जुआ बंद हो, यहाँ की दारू बंद हो। यहाँ खुलेआम दारू पी जाती है और खुलेआम बैठ के लोग पत्ते खेलते रहते हैं, अच्छे लोग आने के लिए कतराते हैं दिन में। तो शासन से मेरा अनुरोध है कि पहले इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इस पर खासकर सिक्योरिटी लगाई जाए ताकि यहाँ पर असामाजिक तत्व यहाँ पर ना दिखें।